मध्य प्रदेश के इंदौर में नामदेव दास त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा के खिलाफ अवैध कब्जे के मामले में कार्रवाई की गई है। बाबा के गोमटगिरी वाले आश्रम पर प्रशासन का बुलडोजर चला, इसके साथ ही पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार भी कर लिया है। इंदौर प्रशासन की क्रेन गरज रही है और जमींदोज हो रहा है कंप्यूटर बाबा का आश्रम। ऐसी एक नहीं, दर्जनों क्रेन यहां हैं और इस आलिशान आश्रम को ढहा रही हैं। ये नामदेव दास त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा का आश्रम है। इंदौर प्रशासन ने कंप्यूटर बाबा के इस आश्रम को अवैध माना और इसे ढहा दिया। तस्वीरें इंदौर में बाबा के गोमटगिरी वाले आश्रम की हैं। ये आश्रम एयरपोर्ट रोड पर जम्बूडी हप्सी गांव में बना था। आरोप है कि गौशाला की 46 एकड़ जमीन पर कब्जा कर इनमें से 2 एकड़ जमीन पर आश्रम बना दिया गया। प्रशासन ने 2 महीने पहले कंप्यूटर बाबा को नोटिस देकर कागज पेश करने को कहा था, 2,000 रुपए का फाइन लगाकर कब्जा हटाने के लिए भी कहा था, लेकिन बाबा की ओर से न तो कागज पेश किए गए न ही कब्जा हटाया गया। इसके बाद आश्रम पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। प्रथम दृष्टि आप देखें 2 एकड़ में तो स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन जो खाली भूमि का जो परिसर है वो पूरा गौशाला का, तो अप्रत्यक्ष रूप से आप ये मान के चल सकते हैं कि लगभग 42 से 46 एकड़ जमीन पर इनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा किया हुआ है, जो कि 80 करोड़ की भूमि है। आज ये प्रशासन द्वारा 80 करोड़ की भूमि मुक्त करा ली गई। प्रशासन ने कंप्यूटर बाबा का आश्रम ढाया तो सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शिवराज सरकार कंप्यूटर बाबा के खिलाफ बदले की भावना से काम कर रही है। मैं मानता हूँ ये एक ऐसे राजा जो डरा हुआ है, बदले की भावना से कार्रवाई करता है। अवैध काम था 15 साल से क्यों नहीं देखा? अवैध काम था, आप और आपके नेता उनके आश्रम जाते रहे तब क्या हो गया था? अवैध काम था तो इसी समय कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपने जब से सरकार बनाई तब से क्यों नहीं हुई? ये सब बातें घोतक है कि शिवराज जी बदले पे उतर आए हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है, मगर बीजेपी कह रही है कि प्रशासन अपना काम कर रहा है। ये कंप्यूटर बाबा का अतिक्रमण हो या किसी का भी हो, कोई अतिक्रमण है, अवैध कब्जे लोगों ने कर रखे हैं, इस प्रकार की कोई भी चीज है, गौशाला पर कब्जा, अरे काय के लिए जमीन है वो? जिस गौशाला की मिली है वह गौशाला होनी चाहिए, लेकिन चाहे कंप्यूटर बाबा हो या कोई भी हो, इस प्रकार के अवैध अतिक्रमण जो भी है वो प्रदेश के अंदर इस प्रकार से नहीं बचेंगे, और सरकार ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि कंप्यूटर बाबा ने 28 सीटों पर उपचुनाव से पहले शिवराज सरकार के खिलाफ लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकाली थी। कांग्रेस इस यात्रा को ही बाबा के आश्रम पर कार्रवाई से जोड़ रही है। इधर प्रशासन ने शांति भंग करने के आरोप में कंप्यूटर बाबा समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भोपाल से रविश पाल सिंह के साथ धर्मेंद्र कुमार शर्मा, इंदौर आज तक।